अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीन नज़ीर हेयर। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 1 का चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक करेंगे, आउटलायर्स। तो उम्मीद करती हूँ आप चैप्टर 3 को पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ उसका जो ग्राफिकल, हमने जितने भी ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखी है, जो ग्राफ हैं, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट्स, ये सब आपने पढ़ चुके होंगे। इंशाल्लाह कमिंग वीक में हम इसका वाइवा कंडक्ट करेंगे, तो आप इसके लिए तैयार रहें। जो आपका लास्ट चैप्टर 3 चल रहा है उसको हमने आज कंप्लीट कर लेना है। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपकी बुक से तो बहुत वो मिनिमम सा है, तो आपने अपनी बुक से पहले रीड करना है, उसके बाद अपने इस लेक्चर को अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि वो उस बुक में इतनी डिटेल के साथ बात नहीं की गई। ठीक है, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का टॉपिक नेम है आउटलायर्स, के वो वैल्यूज जो आपके डाटा से हट के होती हैं। फर्ज करें आपकी सबकी हाइट जाती है 4-5-6 तक, फीट की मैं बात करूँ ना, 4-5-6 फीट के दरमियान आपकी हाइट है, पर एक वैल्यू ऐसी आ जाती है जिसमें एक हाइट आ जाती है 12 फीट, तो ये बिल्कुल आउट ऑफ दी वे बात होगी कि एक 12 फुट का बंदा आपके साथ आगे खड़ा हो जाए, तो वो क्या होगा, वो आउटलायर होगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक का नाम है आउटलायर्स, वो वैल्यू जो आपके डाटा से रिलेटेड नहीं होती, और अगर हो भी तो वो क्या, वो एक्सेप्शन शो करती हैं। आज का लेक्चर नंबर 11 है। चलिए स्टार्ट करते हैं आउटलायर। आउटलायर क्या होता है, जो आपके डाटा से बिल्कुल हट के वैल्यू होगी वो आउटलायर कहलाएगा। जैसे इधर एक इन्होंने डाटा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई है, वो क्या है, एक लाइन ड्रा हुई है, आपका सारा डाटा इसी लाइन के अराउंड अबाउट है। ठीक है, पर कुछ वैल्यूज बिल्कुल ही बेस लाइन के पास चली जाती हैं। ये जो 3 वैल्यूज हैं, ये 3 वैल्यूज क्या हैं, एवरेज से हट के हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, आउटलायर्स बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, डाटा पॉइंट दैट इज फार आउटसाइड द नॉर्म फॉर ए वेरिएबल और पॉपुलेशन, वो डाटा जो बिल्कुल ही नॉर्मल से हटके हो या एवरेज से हटके हो पॉपुलेशन में से, तो हम उस डाटा को आउटलायर बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऐसी ऑब्जर्वेशन दैट डेविएट सो मच फ्रॉम अदर ऑब्जर्वेशन एज टू अराउज सस्पिशन दैट इट वॉज जनरेटेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो बाज़कात आपकी वैल्यूज या आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी डिफरेंट हो जाती हैं कि जो रिसर्चर होता है उसको डाउट हो जाता है कि ये या खुद से इन्होंने जनरेट की हैं या कोई गलती हुई है इनमें से। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, फर्ज करें एवरेज पीपल हाइट आप लेते हो 4-5 फुट और 6 फुट, अचानक से एक आपके पास वैल्यूज आ रही हैं जो 11-12 फीट को शो कर रही हैं, तो वो जो 11 और 12 फीट हैं वो क्या कहलाएंगे, वो आउटलायर्स कहलाएंगे। वैल्यूज दैट आर डेवियस इन द आई ऑफ द रिसर्चर, ऐसी डाउटफुल वैल्यूज जो कि रिसर्चर्स को देखते ही पता चल जाए कि ये इस डाटा का पार्ट नहीं है, ये इस सैंपल का पार्ट नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी वैल्यू को आउटलायर बोलेंगे। बात समझ आई है, आउटलायर क्या है, जो वैल्यू नॉर्मल से बिल्कुल हटके हों। जैसे फर्ज करें आप सबके मार्क्स आते हैं, एक टेस्ट मैं कंडक्ट करती हूँ बहुत डिफिकल्ट, ठीक है, उसमें सबके मार्क्स कितने आ रहे हैं, 50 में से आ जाते हैं 20, 21, 19, 24, 25, इतने मार्क्स आ रहे हैं, और एक स्टूडेंट आ जाता है जिसके मार्क्स 48 या 49 आ जाएं, तो मेरे लिए 48 और 49 क्या है, आउटलायर्स हैं। क्या मैं उन पे डाउट करूंगी, या वो बच्चे बहुत पढ़ने वाले होंगे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होंगे, तो इस तरह आउटलायर्स हमारे लिए बेनिफिट भी हो सकते हैं कि हमें दूसरों से, हम यहाँ डिस्टिंक्शन करने वाले बच्चों को भी इसमें से आउटलायर्स की वजह से निकाल सकते हैं, मतलब निकालना मतलब कि उसको
हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कौन से डिस्टिंक्शन वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब इसके अलावा मैं ये भी कंसीडर कर सकती हूँ, क्या पता वो मेहनत की बजाय वो चीटिंग करने वाले में से हों, तो उन्होंने चीट करके सारा टेस्ट परफॉर्म किया हो, तो वो जो चीटर्स हैं और जो डिस्टिंक्टर्स हैं दोनों आउटलायर्स हैं। ठीक है, तो आपका जो अगर एक बंदा है कंपनी में, वो क्या कर रहा है, करप्शन कर रहा है पैसे, और उसका अगर सबके अकाउंट की इंक्वायरी की जाए तो सबके पास जो उनकी सेविंग्स हैं वो 2-2 लाख हों, और एक मेरा कंपनी का मेंबर है जिसका जिसका कोई और सोर्स भी नहीं है और वो मेरी ही कंपनी में काम कर रहा है सिर्फ, और उसकी जो बैंक अकाउंट है वो है, बाकियों का 2 लाख है तो उसका 20 लाख है, तो मुझे इसकी ये जो वेरिएंस आ रहा है इसकी वैल्यू में है, इसकी जो बाकी सब की अगर सेविंग्स 1 लाख 2 लाख 3 लाख है और एक मेरे कैंडिडेट की वैल्यू जो बैंक अकाउंट है बैंक स्टेटमेंट है वो 20 लाख है, तो मुझे वहाँ डाउट हो जाएगा कि या ये करप्शन कर रहा है या मुझसे झूठ बोल रहा है कि ये कहीं और काम नहीं करता या इसकी कोई दूसरी वजूहत है। तो इस तरह आउटलायर से हमें या जो डिस्टिंक्ट वैल्यू होती हैं वो पता चल जाती हैं, पर हाँ जैसे आउटलायर सामने आता है, ये वैल्यू सामने आती है, आप फौरन डाउटफुल हो जाते हो कि ये वैल्यू ऐसे क्यों आई। ठीक है, और इस तरह हमारे लिए आउटलायर्स बेनिफिशियल भी हैं। अच्छा, अब आउटलायर्स के काजेज क्या होते हैं। ठीक है, आउटलायर को आप कभी भी खुद इनवाइट नहीं करते, ये क्या होता है, ये खुद ब खुद या कोई ऐसा एरर आ जाता है जिसकी वजह से आपकी जो वैल्यूज हैं वो नॉर्मल से हटके हो जाती हैं। अब जैसे एज ग्रुप मैं लिख रही हूँ आप सब बच्चों का 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है यहाँ तक मैं जाती हूँ, अचानक मुझसे बाय डिफॉल्ट जब मैं 25 पे आती हूँ तो मेरे पास से 5 की बजाय वो डबल क्लिक होके 255 उस बच्चे की एज आ जाती है, तो देखो बाकियों की एज है 24, 20, 30, मतलब सबकी एवरेज एज 35 तक होगी। ठीक है, मैं रेंज ले लेती हूँ 20 से 35 साल की उम्र के सारे लोग मैंने लिए, पर अचानक से मेरी एक वैल्यू 255 आ जाती है, तो वो क्या होगी, ये वैल्यू आउटलायर है। वैसे ही जब ये वैल्यू मेरे सामने आएगी तो आप लोगों के सामने भी आए, कोई इतने साल जीता ही नहीं है पहली बात। ठीक है, तो आपके लिए सामने ये डाउटफुल वैल्यू हो जाएगी कि डाटा कलेक्टर ने यहाँ पे एरर किया है। ठीक है, अब उसके बाद इंटेंशनल और मोटिवेटेड मिस रिपोर्टिंग। बाज़कात क्या होता है कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो जो हम जब फर्ज करें किसी टीनेजर से जाके पूछें आप शराब पीते हैं तो वो झूठ बोलेगा, नहीं मैं नहीं पीता। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम दूसरे बिहेवियर्स की बात करें, आप मैं बोलूं आप झूठ बोलते हैं, वो कहेंगे नहीं बोलता। तो यहाँ पे जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो डाटा कलेक्ट करते दौरान जो ऑब्जर्वेंट्स हैं, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारे जो सैंपल है उस वो ही मिस रिपोर्ट करते हमें, तो तब भी हमारा डाटा वेरी कर जाएगा और हमारी जो आउटलायर्स हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, अब सैंपलिंग एरर भी हो सकता है। फर्ज करें कि मैं एक तो मैंने एज ग्रुप में बताया कि एज में मिस प्रिंटिंग मैंने मतलब कि मिस क्लिक कर दिया, एक ही जो वैल्यू थी उसको दो बार क्लिक कर दिया तो वो एज 25 से 255 होगी। ठीक है, अब सैंपलिंग एरर इस तरह हो सकता है, इट इज पॉसिबल दैट ए फ्यू मेंबर्स ऑफ ए सैंपल वर इनएडवर्टेंटली ड्रॉन फ्रॉम ए डिफरेंट पॉपुलेशन दैट द रेस्ट ऑफ सैंपल। अब मैं सारा फर्ज करें कि मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं देखूं पंजाब में पढ़े लिखे लोगों की तादाद, मैं सिंध में पढ़े लिखे लोगों की तादाद देखूं। ठीक है, मेरा डाटा बेसिकली है पंजाब और सिंध के जो लिटरेट पीपल हैं, पढ़े लिखे पीपल हैं, उनका मैं डाटा लेना चाहती हूँ। फिर कुछ ऐसा एरिया आता है इन इलाकों का ही कि बिल्कुल ही बैकवर्ड है, गांव का इलाका है जहां मैं अपना डाटा कलेक्ट करने जाती हूं, तो वो
बिल्कुल ही, जो फर्ज करें कि उनमें से कोई एक बंदा भी पढ़ा लिखा नहीं, वहां पे मेरा डाटा आ गया जीरो, और वहीं मेरी जो मीन वैल्यू है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अभी इधर कुछ एग्जांपल दिया है गाड़ियों की, कि अगर मैं उसकी हॉर्स पावर और टॉप स्पीड देखूं तो ऑडी की हॉर्स पावर 210 है और उसकी स्पीड 230 है, बीएमडब्ल्यू की 205 है और उसकी स्पीड 225। अब इसी तरह मैं अगर फोर्ड को दरमियान में ले लूं, हॉर्स पावर तो उसकी 175 है पर उसका जो टॉप स्पीड है वो कितनी है, 50 है। तो इस तरह जो मेरा सैम्पलिंग एरर आ सकता है इसमें। स्टैंडर्डाइजेशन फेलर, कि इसमें वो वैल्यूज आती हैं जो आपके आपके रिसर्च को सूट नहीं करती हैं, आप फिर भी ले लेते हो, मतलब आप कचरा उठा लेते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन फेलर। आपने स्टैंडर्ड से हट के काम किया। फर्ज करें अगर मेडिकल कॉलेजेस में क्राइटेरिया रख दिया जाए 60% फॉर एडमिशन, ठीक है, आपके प्री मेडिकल के जो मार्क्स हैं वो 60% वालों को ही मेडिकल कॉलेज में एंट्री हो, पर क्या हो कि जो एडमिन है वो 30-40% वाले स्टूडेंट को ले ले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये आप अपना स्टैंडर्ड खराब करते हो। स्टैंडर्ड से हट के जब जाते हो तो वो क्या काम करता है, वो आपका आउटलायर्स के अंदर वैल्यू को ले आता है, ठीक है। इफ समथिंग एनामलस हैपन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्सपीरियंस इट विल इन्फ्लुएंस द स्टडी आउटकम, तो इस तरह आपका जो स्टडी आउटकम है वो डिस्टर्ब होता है। अच्छा, फॉल्टी डिस्ट्रीब्यूशन अजम्पशन, इनकोरेक्ट अजम्पशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाटा कैन लीड टू द प्रेजेंस ऑफ सस्पेक्टेड आउटलायर। फर्ज करें कि आपने ऐसा डाटा लिया है जिसको आपको उम्मीद है कि आपने उसको 4 से 8.5 तक आपका डाटा है, पर हकीकत में क्या होता है कि आपका डाटा 1 से लेकर 6 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है आपकी वो फॉल्स साबित हो गई और आउटलायर सारे 6 से बिफोर आ गए, तो आपकी यहीं पे वैल्यूज, यहीं पे आपकी जो रिसर्च है वो डिफॉल्ट हो जाएगी, आपका जो रिसर्च का बेसिक थीम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और आउटलायर की वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपके डाटा कलेक्शन में कोई मसला है, ठीक है। लास्टिमेट केसेस सैंपल फ्रॉम द करेक्ट पॉपुलेशन, बाज का क्या होता है कि हमारी पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो ठीक है, पर आप उसमें से कुछ ऐसे केसेस रैंडमली उठा लेते हो जो कि आपके डाटा को सूट नहीं करती। इट इज पॉसिबल दैट एन आउटलायर कैन कम फ्रॉम पॉपुलेशन बीइंग सैंपल्ड लास्टिमेटली थ्रू रैंडम चांस। रैंडमली आपने ऐसा पर्सन ले लिया है, ऐसा सैंपल ले लिया है, ऐसा पॉपुलेशन ले लिया है जो कि ऐसा सैंपल ले लिया है जो कि आपकी जो रिसर्च है उसको डिस्टर्ब कर दे। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट सैंपल साइज प्ले ए रोल इन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटलाइंग वैल्यूज। अब आपका सैंपल साइज भी आपकी आउटलायर्स को काज करवा सकता है, ठीक है। किस तरह काज करवा सकता है, रैंडमनेस की वजह से। रैंडमनेस की वजह, रैंडम मतलब क्या होता है कि आप बगैर देखे बगैर फेवर के रैंडमली हर तीसरा बंदा एलोकेट कर रहे हो अपने सैंपल साइज में, हर 10वां बंदा एलोकेट कर रहे हो अपने रिसर्च में, तो ये क्या कहलाता है, ये एरर काज कर सकता है। एरर कौन सा हो सकता है, आउटलायर एरर। आउटलायर्स एज पोटेंशियल फोकस ऑफ इंक्वायरी, तो जैसे ही आउटलायर आपको मिलता है, आपको पता है आउटलायर वो पर्सन है, वो वैल्यू है जो कि नॉर्मल से हटके है। तो मैंने आपको बताया कि हम आउटलायर की मदद से फ्रॉड केसेस को, इम्यूनोलॉजिकल एडवांसमेंट को, या कोई भी डिस्टिंक्शंस को, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स को हम आउटलायर्स की वजह से, आउटलायर फिनोमेना से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह जो आउटलायर्स हैं वो इंक्वायरी के लिए भी यूज होते हैं,
ठीक है। फ्रॉड की मैंने आपको एग्जांपल दी, फर्ज करें एक बंदा मेरी कंपनी में काम कर रहा है, सबका मैं बैंक बैलेंस देखती हूँ तो सबका 1 लाख 2 लाख आता है, पर एक पर्सन है उसका 20 लाख तक बैंक बैलेंस आता है, तो वहीं पे वो पर्सन आउटलायर है और मेरे सारा शक उस बंदे की तरफ चला जाएगा कि ये बंदा थोड़ा करप्ट लगता है, या करप्ट नहीं है तो कोई इसके पीछे दूसरी वजूहत है, जो इसका जो बैंक बैलेंस है वो बाकी सर्वेंट्स की बजाय ज्यादा जा रहा है। तो हम आउटलायर्स को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो इसके कुछ मेथड्स हैं। हम उसका सिंपल मीन से अगर कुछ वैल्यूज डेविएट कर रही हूँ तब भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम महल एंड ओबेज डिस्टेंस के थ्रू मेयर कर सकते हैं आउटलायर्स को, और कुक्स डी मेथड के थ्रू अपना आउटलायर्स को डिफाइन कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने एक स्कैटर चार्ट बनाया। अच्छा, तो अब हमने मेला हेबनोस महल एना बोज बिज में स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करना है। सॉरी, इसमें हम क्या करते हैं कि 2 डायमेंशनल ग्राफ देखते हैं, एक तरफ हम एक्स एक्सिस दूसरी तरफ हम वाई एक्सिस पे अपना जो डाटा होता है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो महलनोबिस इसमें क्या होता है बेसिकली कि आप अपना जो डाटा होता है उसका डिस्टेंस मेजर करते हो। फर्ज करो ये डाटा है ना, इसमें आप एक इस तरह लाइन इसके मीन पे लाइन ड्रॉ करोगे और दूसरी आप हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करोगे, और उस लाइन से आप एक जो 68-95 रूल होता है स्टैटिस्टिक्स का, वो रूल ये होता है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन देखते हो अपने डाटा की उसके लिहाज से। तो उसको देखने की इतनी जरूरत नहीं है आपको, आपको बस समझने की जरूरत है कि आपने अपना जो आउटलायर्स है वो किस तरह आइडेंटिफाई करने। अब ये देखें महलनोबिस में क्या है कि आपने एक स्कैटर चार्ट की बनाया, उसके बाद आप क्या करते हो कि एक ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करते हो। इसके लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ती है। आप स्केल से बिल्कुल सेंटर से वैल्यू करते हुए आप एक स्केल लाइन ड्रॉ करते हो। इसमें क्या होता है कि जब आपने लाइन ड्रॉ कर दी तो ये जो स्कैटर डाटा है जो इसके करीब करीब है उस वो सारा क्या होगा, नॉर्मल डाटा। अब ये जो एक आउटलायर है, ये आउटलायर है, ये आउटलायर है, ये आउटलायर है, इसकी वजह से आपको आउटलायर्स का अंदाजा हो जाएगा। द ओरिजिन विल बी एट सेंट्रोइड ऑफ द पॉइंट ऑफ देयर एवरेज, द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस ब्लू इन द नेक्स्ट फिगर विल एक्सटेंड अलोंग द स्पाइन ऑफ द पॉइंट्स। सब पॉइंट के मिड में से हम ये ब्लू लाइन को गुजारेंगे, which by definition is any direction which the variance is the greatest, ठीक है। The second coordinate axis, ये जो second coordinate axis है red in figure will extend perpendicular to the first one, हम उसको perpendicular draw करते हैं। In more than 2 dimension, it will be chosen in that perpendicular direction in which the variance is as large as possible, हम उसकी maximum values तक जाके हम उस line को draw करते हैं, ठीक है। अब जब हमने इसको ड्रा कर लिया तो उसका एक रूल होता है हमारा कि हम अपना जो भी वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन है हम ना उसके लिहाज से 68, 95 और 99 का एक रूल देखते हैं स्टैटिस्टिक्स का। उसमें क्या होता है कि आप अपनी जो वैल्यूज होती हैं उसको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होते हो कि मेरे 95% पे कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 68% पे कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 99। तो ये एक रूल बना हुआ डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए। तो उसी उनको उन्होंने कहा कि यूज, ये जस्ट आपके समझने की बात है, आपने इसको याद नहीं करना, आपने बस देखना है कि महलनोबिस डिस्टेंस के थ्रू आप अपना आउटलायर्स करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इन्होंने इसको 0, 1, 2, 3, -1,
माइनस टू माइनस थ्री के थ्रू उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया। सबसे पहले 68 तक वैल्यूज को करेंगे, फिर सेकंड सर्कल में 95 को, फिर 99 को, ताकि उनकी जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखी जा सके और आउटलायर डिफाइन हो सके। ठीक है, अब इस तरह हम इस तरह भी चार्ट ड्रा कर सकते हैं और अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं और आउटलायर्स देखें इधर, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, ये डॉट, तो जितने भी वैल्यूज इससे हटके होंगे वो सारे आउटलायर्स होंगे। अब इस डिस्टेंस को हम यूक्लिडियन डिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सबसे आसान मेथड आपके आउटलायर को खत्म करने का क्या है? आउटलायर को खत्म करने का आसान मेथड ये है कि जो आउटलायर है उसको खत्म कर दो। ठीक है, रिमूवल। अगर फर्ज करो मेरी वैल्यूज जा रही हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 10 तक, ठीक है, ये सारी एक ही रेंज में, पर 100 आ गया, 100 ने क्या किया, मेरी वैल्यू को डिस्टर्ब कर दिया, तो मैं 100 को रिमूव कर दूँ। एक ये मेथड आउटलायर्स को खत्म करने का। ठीक है, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में क्या करते हैं, हमारी जितनी भी वैल्यूज होती हैं हम उसका पाई ले लेते हैं। ठीक है, मतलब लॉग ले लेते हैं, जैसे 2 का लॉग ले लिया 0.3, 3 का लॉग ले लिया 0.47, 4 का लॉग 5 का, 6 का, 10 का, 100 का, तो ये सब का मैंने लॉग ले लिया और जो वैल्यूज आई उसको मैंने फिर अपने डाटा में एंटर किया। ठीक है, अब तीसरा मेथड क्या है, ट्रंक्शियरियन मेथड। तो इसमें क्या होता है, इसको ट्रंक्शिएशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आप जो वैल्यू है, जो आउटलायर है, उसको खत्म करके लास्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग ही सेट कर देते हो। ठीक है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 10 था और 100 था, आप 100 का 1 एलिमिनेट कर दोगे ये सोच के कि शायद ये बाय मिस्टेक 100 ऐड हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी 10, 10 की। अब उसके बाद ट्रिम्ड मेथड है, ट्रिम्ड मीन रोबस्ट मेथड है। इसके थ्रू भी आप अपना आउटलायर्स को मिनिमाइज कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि इज कैलकुलेटेड बाय टेम्पोरेली एलिमिनेटिंग एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन एट बोथ एंड ऑफ द सैंपल बिटवीन 10% to 25% ऑफ एंड। जो आपके सैंपल के एंड्स हैं उसका 10 से 25% आप खत्म कर देते हो। जैसे अब इधर से 1, 6, 12, 14, 20, 24, 30 और 100, अगर मैं इसका रेगुलर मीन निकालूं तो 26.62 है। ठीक है, तो अगर इसका मैं ट्रिम कर दूं तो क्या आएगा, मैं 36 और 100 को खत्म कर दूं, जो इधर से 1 और 6 को खत्म करके मिडल वैल्यू उसकी रेंजेस ले लूंगी, तो उसके मीन क्या आएगी, 17.5। ठीक है, मीन क्या होता है, इन सबको सम करके इनके नंबर से डिवाइड कर देना। इन सबको मैं जमा करूंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड कर दूंगी। अच्छा, वो था ट्रिम्ड मीन का मेथड। अब है ये मेथड रोबस्ट मेथड, विंसराइज्ड मेथड मीन। ठीक है, हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन आर टेम्पररीली सेंसर्ड। जो सबसे हाईएस्ट और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे 100 है, हम इसको 100 की बजाय 36 कंसीडर करेंगे और 1 है, इसको हम 6 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 की बजाय 6, 6। ठीक है, 36 और 100 की बजाय, 100 की बजाय क्या आ जाएगी, 36। तो इन सबको सम करके डिवाइड कर देंगे इनके नंबर के साथ। ठीक है, नंबर के साथ मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑब्जर्वेशन है ना, ये इन सबकी वैल्यूज को प्लस करके हम 8 ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 19.25। इस तरह मीन के ऊपर देखें कितना डिफरेंस आया, 26 से 19 हो गया आपका मीन। अब एक और मेथड है रोबस्ट मेथड। रोबस्ट मेथड में क्या कर रहे हैं हम, लीस्ट मीडियन ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, रिप्लेस दी मीन बाय मच लेस सेंसिटिव मीडियम विच जनरेट ए मोर रोबस्ट एस्टिमेटर। तो हम क्या करते हैं कि जो आपका मीडियन है उसका, उसको ले लेते हैं, जो आपका कम आउटलायर्स को देगा। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वैल्यूज है ना, तो इसकी मिडल वन कौन सी है, ये सेंटर वाली दो, सेंटर वाली दोनों को
प्लस करके डिवाइड कर देंगे टू के साथ, इस तरह हमारा मीडियन आता है। तो फोर प्लस 20 डिवाइडेड बाय टू क्या आएगा आपका रोबस्ट मीडियन, ठीक है 17 आएगा इसका आंसर। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, बेसिकली आउटलायर्स को, ठीक है। आउटलायर्स क्या होते हैं कि वो डिस्टिंक्ट वैल्यूज, वो एक्सेप्शनल वैल्यूज जो आपके डाटा को डिस्टर्ब करती हैं, उसको हम आउटलायर्स बोलते हैं। आउटलायर्स में आप क्या कर रहे थे कि आउटलायर्स के काजेस को देखा कि ह्यूमन एरर भी हो सकता है, कोई आप स्टैंडर्डाइजेशन एरर भी ले सकते हैं, कोई आप इसका आप इसमें जो सैम्पलिंग में रैंडमली असाइन होते हुए इसका एरर आ सकता है। उसके बाद हमने इसको कैसे हमने डिटेक्ट किया, उसके बाद डिटेक्ट करने के बाद हमने इसको कैसे एलिमिनेट किया रोबस्ट मेथड से। रोबस्ट मेथड में भी हमने कुछ इसकी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं कि या हम उस जो रिमूवल मेथड है, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रंक्शिएशन मेथड, इसमें क्या होता है कि हम रिमूवल में उस आउटलायर को रिमूव कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में हम उनका लॉग ले लेते हैं, ट्रांसिएशन मेथड में क्या करते हैं हम लास्ट वैल्यू को अपनी आउटलायर्स को लास्ट वैल्यू के इक्विवेलेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर ट्रिम्ड मीन मेथड क्या था कि हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वैल्यूज होती हैं एक्सट्रीम वाली वैल्यूज, लोएस्ट और हाइएस्ट वैल्यूज, उसके 10 से 25% एलिमिनेट कर देते हैं तो, और बाकियों का मीन ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मीडियन का मेथड था कि हम मीडियन वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें, ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ चुका होगा। आपका जो इसका सिलेबस है वो इतना ज़्यादा नहीं है स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिकल थ्योरी वन का, तो हम इसके क्या करते हैं हम साथ साथ इसके टेस्ट कंडक्ट करेंगे ताकि आपकी जो इसकी तैयारी है वो अच्छे से अच्छी होती रहे, ठीक है। चलें आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।